आज हम एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि हम बाहर जाते हैं खाने, रेस्टोरेंट में गए, बुफे लगा है, तो वहाँ भी ज्यादातर से हम क्या देखते हैं कि जैसे कि रायता हमें जब सर्व किया जाता है तो कई तरह के रायते होते हैं, पाइनएप्पल हो गया या बूंदी रायता हो गया। तो वही चीज अगर हम अपने घर में ले लें, जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम अपने घर में लंच पे क्या लेते हैं, नॉर्मल दही हम लेते ही लेते हैं, और अगर कोई गेस्ट आने वाला हो तो उसे हम सोचते हैं कि दही ना दें, कोई बढ़िया सा रायता सामने सर्व किया जाए। तो रायते में हम बूंदी का रायता बनाते हैं या आलू का रायता बनाते हैं, अगर थोड़ा सा स्वीटनेस में जाएंगे तो पाइनएप्पल रायता बनाएंगे, कई तरह से रायता हो जाता है, मिक्स रायता हो जाता है, खीरे का रायता हो जाता है। रायता की बहुत ज़्यादा कैटेगरी है, उसका अगर हम यहाँ पे गिनतियाँ करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी जैसे कि गर्मी के सीजन में क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है, आम का सीजन है, तो आम का अगर रायता बनाया जाए, मैंगो मिंट रायता, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इतना यम्मी लगता है, थोड़ा सा स्वीटनेस होता है और दही और जो मिंट का जो फ्लेवर है पूरा मुंह में भर जाता है इसका स्वाद। तो अगर आज आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या अपने लिए बनाना हो लंच पे, तो चलिए आप भी मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए और मैंगो मिंट रायता की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं आज की रेसिपी। तो मैंगो मिंट रायता के लिए सबसे पहले तो हमें मिंट की एक बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर लाना है, जैसे कि ढेर सारे हम पुदीने की पत्ती ले लेंगे फ्रेश, और इसको धुल के साफ करके एक मिक्सर जार में डालेंगे, और इसके साथ ही डालेंगे हरी मिर्ची। तो जैसे मैंने 3 हरी मिर्ची लिया हुआ है, अब पुदीना और मिर्ची डालने के बाद से इसके साथ ही हम डालेंगे आम के कुछ कटे हुए टुकड़े, पके आम के, तो ये ले लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंगो और पुदीना और मिर्ची की चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। रायता के लिए मिंट फ्लेवर का चटनी तो तैयार हो गया है, अब बनाएंगे रायता। तो जिसके लिए दही ले लेंगे, तो दही को बहुत अच्छे से हमें फेंट लेना है और ठंडी दही चाहिए। तो ये मैंने करीब आधे घंटे पहले इसको फेंट के फ्रिज में रख दिया था, तो इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब इस फेंटी हुई दही में जो ये चटनी बना के रखी हुई है मैंगो एंड मिंट का, वो ले लेंगे। अब इसके बाद से इसको अच्छे से मिला देंगे। टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको मिलाने के बाद से इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा काला नमक ले लेते हैं, थोड़ा सा सादा नमक, रेगुलर नमक जो होता है वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पके हुए आम का कुछ पीसेस तैयार कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस काट के तैयार कर लेंगे। आम तो कट के तैयार हो गए हैं, अब इसे अच्छे से सर्व कर देते हैं। अब मैंगो मिंट रायता को सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे जो दही का हमने फेंट के बनाया हुआ है वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो है ये कटे हुए जो मैंगो है छोटे छोटे पीसेस वो डाल देंगे, ढेर सारा मैंगो डाल देंगे इसमें। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से सजा देंगे। तो ठंडा ठंडा मैंगो मिंट फ्लेवर रायता बनके तैयार हो गया है। मिंट से मैंने गार्निशिंग कर दिया है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है और खाने में तो बहुत ही यम्मी लगता है, और सबसे बड़ी बात कितनी आसान तरीके से बन भी जा रहा है। तो आप ये रेसिपी जरूर अपने घर पे ट्राई करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नए रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ, थैंक यू।